ओके सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को समझेंगे कि ये क्या होती है। बड़ी शॉर्ट सी वीडियो है। इसमें हमने क्या, जब हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसमें हम पहले अपना एक्चुअल लेबल डालते हैं, फिर प्रेडिक्टेड लेबल्स डालते हैं, और एक सपोर्ट का कॉलम है। सपोर्ट के कॉलम में क्या है, सपोर्ट मीन्स कि इसको कितने डेटा, इसको सैंपल की कितने सैंपल्स मिले, लाइक सपोर्ट इसको कितने सैंपल्स की थी, ठीक है। और इसमें यहाँ पे होती है टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, यानी इसमें क्या है, जीरो और वन। जीरो मीन्स नॉट फ्रॉड एंड वन मीन्स फ्रॉड। तो इसमें बता रहे हैं कि जब जीरो है तो इसमें आपकी प्रिसीजन 100% आई है। प्रिसीजन का, अगर प्रिसीजन जीरो क्लास के लिए 100% क्यों आई है, इसकी रीज़न है। देखें प्रिसीजन क्यों इसकी आई है, द रीज़न इज के हमारे पास जीरो के ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सैंपल्स हैं। आप देखें यहाँ पे कितने, 2,84,000। तो एल्गोरिथम को जीरोस के लिए इतने बहुत सारे सैंपल्स मिल गए पढ़ने के लिए, 2,84,000। तो एल्गोरिथम जब बार बार जीरो 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 लाइक प्रिडिक्ट कर रहा था तो उसकी एक्यूरेसी एक किस्म की बढ़ रही थी। इस बात का मतलब ये है कि इसकी प्रिसीजन जो थी वो तकरीबन 99.99% थी, तो बस उसको राउंड ऑफ करके उसने 100 ही कह दिया। तो इसको, इसके पास चूंकि जीरोस के बहुत ज्यादा सैंपल्स थे तो एल्गोरिथम के पास ज्यादा अच्छा चांस था लर्निंग का। यानी कि आप बात समझे, एक बच्चे को मैं चीज 2,84,000 दफा पढ़ाऊं तो वो जहरी बात है वो चीज अच्छे से सीख लेगा, फिर उसमें गलती नहीं करेगा। इसलिए इसकी प्रिसीजन भी बहुत हाई आई है, रिकॉल स्कोर भी इसका बहुत हाई आया है, और F1 स्कोर भी इसका बहुत हाई है। F1 स्कोर के मुताबिक मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आपका प्रिसीजन ज्यादा हो और आपकी रिकॉल स्कोर ज्यादा हो तो आपका F1 स्कोर भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका हार्मोनिक मीन है एक किस्म का। अब वन की बात करते हैं। देखिए वन में इसके प्रिसीजन 81% आई है। क्यों? क्योंकि इसके पास सैंपल कंपेरेटिवली कम थे, 492 थे, तो इसके पास जीरो के सैंपल को समझने का टाइम थोड़ा कम था, आप आसान अल्फाज में अगर ये कह सकें। तो इसकी प्रिसीजन आई 81%, इसका रिकॉल है 78%, और देखिए इसका F1 स्कोर, क्योंकि दोनों का, एक का 81 है एक का 78 है, तो इसका अगर आप एवरेज भी निकालेंगे तो कोई हो सकता है लाइक 0.79 समथिंग आ रही हो, 0.8 इसने कह दी, ठीक है। एक्यूरेसी हम चेक कर चुके हैं, वो तकरीबन 99% थी, यहाँ पे 1 आ रही है, बस वो 99.99 समथिंग को 1 ही कंसिडर कर रहा है। अब ये जो दो इम्पोर्टेंट टर्म्स है ये समझे, एक है मैक्रो एवरेज और एक है वेटेड एवरेज। मैक्रो एवरेज क्या चीज़ है, मैक्रो एवरेज क्या है, सिंपली इसका और इसका मीन ले लो, यानी प्रिसीजन ऑफ जीरो क्लास एंड प्रिसीजन ऑफ वन क्लास। तो मैक्रो एवरेज ऑफ प्रिसीजन ये है, मैक्रो एवरेज क्या है, जीरो और वन दोनों क्लासेस की एवरेज ले लो, और किसकी, प्रिसीजन वालों की। प्रिसीजन की अलग है मैक्रो एवरेज है, रिकॉल के अलग है, F1 स्कोर की। तो इसकी अगर आप एवरेज लें तो तकरीबन 1 और 0 point, यानी 100% और 81% की अगर आप एवरेज लें तो ये 91% ही आएगी, ठीक है। फिर इसी तरह आप बात करते हैं रिकॉल स्कोर की, तो रिकॉल स्कोर का जीरो की जो परसेंटेज है वो 1 है, और जो 1 की मतलब 1 सैंपल मतलब 1 यानी कि फ्रॉड केसेस की जो रिकॉल स्कोर है वो है 78%, तो इसकी एवरेज ही आएगी। इसी तरह आप 100% और 80% का लाइक एवरेज लें तो वो आपके पास 90% आएगा, ठीक है। और यहाँ पे गिवन भी है, देखिए टोटल सैंपल्स की बेस पे हो रहा है, क्योंकि इसमें 0 1 दोनों हम कंसिडर कर रहे हैं ना, इसलिए इसमें देखिए नंबर ऑफ सैंपल जो है वो 2 लाख, ये देख ले 2 लाख, यहाँ पे ऐसे में सिंगल सिलेक्ट नहीं हो रहा, 2 लाख, हाँ 2,84,807 है, ठीक है। अब आ जाते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। वेटेड एवरेज में क्या आता है, वेटेड एवरेज में देखें, वेटेड एवरेज में इस तरह ना कि इसमें हर एक की अपनी वेट होती है। इसकी मिसाल इस तरह ले लें, जैसे स्कूल या यूनिवर्सिटी में आपका GPA सिस्टम होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें लाइक इस तरह होता है कि फाइनल के जो मार्क्स है उसकी परसेंटेज अलग है, मिड के मार्क्स की परसेंटेज अलग है, असाइनमेंट एंड क्विजेस की परसेंटेज अलग है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो लाइक इसमें मैं इस तरह कह सकता हूँ कि इसको मैं आपको मिसाल बड़ी इजी देता हूँ। देखो देखें, अगर एक बंदा है उसने
उसके फाइनल टर्म के मार्क्स थे, उसने फाइनल टर्म में कितने मार्क्स लिए, 100 मार्क्स का पेपर था, ठीक है, उसने 100 में से लिए 80 मार्क्स, कितने लिए, 100 में से 80% मार्क्स लिए, लेकिन जीपीए कैलकुलेशन में फाइनल टर्म के जो एग्जाम्स हैं उसकी परसेंटेज 50 है, ठीक है, 50% है, और उसने मार्क्स लिए 100 में से 80, तो उसके जीपीए में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 40 मार्क्स 40% कंट्रीब्यूट करेगा, क्यों, क्योंकि उसने 100 में 80 लिया ना, और जीपीए के अंदर उसकी टोटल वेटेज कितनी है, 50%, तो 100 का हाफ कितना, 100 का हाफ 50 होता है, और तो उसके जो मार्क्स है उसको भी आप हाफ कर ले, तो कितने आगे 40, तो उसके जीपीए में फाइनल मार्क्स 80 मार्क्स की कंट्रीब्यूशन 40 नंबरों की है, क्योंकि वो परसेंटेज के हिसाब से। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज के साथ, अब आप देखें जो जीरो है उसकी कितनी ज्यादा है, लाइक 2,84,000 84,315 सैंपल जो है वो जीरोस के, और सिर्फ 492 जो है वो वन के, तो अगर आप इसकी परसेंटेज निकालें तो जीरो की जो परसेंटेज है वो 99.99 कुछ समथिंग आ रही है, और आउट ऑफ ये टोटल है ना, टोटल में अगर आप इसकी परसेंटेज देखें तो 0.0 समथिंग, लाइक बहुत ही कम आ रही है। तो क्या होता है, वेटेड एवरेज में ये दोनों को एवरेज लेता है लेकिन वेट के हिसाब से लेता है, इसका वेट कोई 99% आ रहा है और इसका वेट कोई 0.,। अगर आप इनका करेंगे ना दोनों का वेट के हिसाब से करेंगे तो इनकी कोई एक्यूरेसी कोई 99% समथिंग आएगी, क्यों, क्योंकि जिसका वेट 99.9% तक पे जिसका वेट है उसकी 100% है, अब जो बाकी है वो तो इतना निग्लिजिबल है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और अगर कोई वैल्यू है भी तो उसने फिर भी 81% ली है, तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी 100 आ रही है, ठीक है। इस ना रिकॉल में भी देखें तो इसकी भी 100 आ रही है, और F1 स्कोर ऑब्वियसली जब ये दोनों ज्यादा होंगे तो F1 स्कोर भी ज्यादा होगा। तो आई हैव होप सो आपको जो है मैक्रो एवरेज एंड वेटेड एवरेज में फार्मूलेस पे नहीं गया, मैं सिंपल इसकी मेथडोलॉजी पे गया, उसके कॉन्सेप्ट पे गया हूँ कि वेटेड एवरेज क्या होता है। वेटेड एवरेज हर एक को वेट देना, उसके वेट के हिसाब से उसकी एवरेज की परसेंटेज बनती है यहाँ पे। ओके सो आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर लें, और अगर नहीं भी समझ आई तो भी आप कह सकते हैं कि लाइक मुझे इनबॉक्स कर लें टेलीग्राम पे कि ये हमें टॉपिक नहीं समझ आ रहा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।